तो गाइस यही वो लड़का जिसके बाबा बोल रहे थे कि सीट कवर बन गया, तो यही वो लड़का है जिसको बाबा बोल रहे थे कि सीट कवर बन गया। देखिए भागा जा रहा है लड़का को, यही वो यही वो लड़का। आज हमारे साथ हमारे गांव के बहुत सारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसे, और हम इसलिए अभी मिले हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज हमारे कजन का मेहमानी जा रहा है। मेहमानी मतलब आप समझ सकते हैं उनका एंगेजमेंट है। सर भाई है जो अपने पोस्ट में इंस्टाग्राम फोटो खींचने के लिए तैयार है। बन बिंदास सर जो हैं ये पहले कोट पैंट में नहीं, ये पहले शर्ट पैंट में आए थे, उसके बाद ये जा कर के पैजामा कुर्ता पहन के फिर चले आए ना। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि सबने कहा कि भाई हमने पहना है, तुम नंगे क्यों जाओगे। दिन से फर्स्ट टाइम भी मिला था उस टाइम, तो ये भी ठीक ठाक मेंटेनेंस में ही थे, लेकिन जब हम लोग को इन्होंने देखा तो ये अपने अपने रूप में चले आए अपने रूप में चले आए। तो खैर अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे तो मिलते ही रहते हैं। रिसेंटली मैं दिल्ली गया था और दिल्ली से जस्ट कल आया ही हूँ, फिर आज जा रहा हूँ मेहमानी मुंगेर। और मुंगेर के बारे में आपको बता दूँ कि मुंगेर हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट मुंगेर ही था, जो 10 मई 1981 को मुंगेर अलग हो गया, खगड़िया अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया था। नदी के उस पार लोग हैं, बहुत सारे लोग अगर नदी के उस पार रहते हैं तो अगर उनका टाइम बचेगा तो मेरा बिहार डेवलप करेगा। हाँ। अगर बिहार डेवलप करेगा तो देश डेवलप करेगा। हमारी निकम्मी सरकार क्या करती है, वो पुल बनाने पर ध्यान नहीं देती है, इधर उधर का काम करती है, लेकिन लोग भटकते रहते हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पाती है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि जहाँ जहाँ भी पुल की ज़रूरत है पहले उस जगह पुल बना दिया जाए, सड़क बना दिया जाए, ताकि लोगों का टाइम बचेगा। जितना टाइम लोग सफ़र बिताने में करते हैं उतना टाइम, वो टाइम अगर मेहनत करने में लगाएंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनका परिवार का जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों हम जल्दी अपनी मंजिल के करीब और अब मुंगेर पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में एक मुझे पहाड़ टाइप का मिला जिसके ऊपर एक मजार शरीफ भी। दोस्तों अब हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों वहाँ के सारे हजरात इस्तकबाल में लगे हुए हैं और माला पहनाया जा रहा है इस्तकबाल में। अब हमारे बबन बिंदास सर भी तशरीफ ला चुके हैं, उसके बाद हमें अमूल कूल पिलाया गया, उसके बाद हम अमूल कूल पी करके पूरा पूरा कूल हो गए। हमारे नदीम चाचा हैं जो कि हाइक कर रहे हैं। अमूल कूल होने के बाद हमारे पास आ गया पनीर चिल्ली, तो हमने पनीर चिल्ली का मज़ा उठाया। उसके बाद दोस्तों अब हमें नाश्ता परोसा जा रहा है, नाश्ता बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉक्स में दिया गया है, देखने में बड़ा ही मस्त लग रहा है। अब देखते हैं अंदर क्या क्या मिला है हमें नाश्ते में। बब्बन बिंदास सर पूरा खुश हो गए हैं, अब उन्हें नाश्ता मिल चुका है, अब वो इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों मैंने ओपन कर लिया, देखिए नाश्ता के अंदर बस ये सब दिया हुआ है जो कि लाइट है, बिल्कुल बेटर है, अच्छा है। चाचा बिल्कुल खुश हो रहे हैं और हमारे बब्बन बिंदास सर भी पूरा खुश हैं और हमारे दोस्त लोग भी पूरा मज़ा उठा रहे हैं नाश्ते का। दोस्तों नाश्ता होने के बाद अब बारी है खाना खाने का, तो इससे पहले मैं खाना खाने जाऊंगा, जब और सब आदमी जा चुके हैं तो उनको आने का वेट मैं कर लेता हूं। जब तक मैं यहीं पे थोड़ा सा आराम फरमाता हूं, आप लोग से कुछ बातचीत करता हूं। दोस्तों मेरे पास ये गजरा है, गजरा तो मेरे पास में है लेकिन गजरा पहनाने वाले मेरे पास भी नहीं है, तो फिलहाल मैं इस गजरे को संभाल कर यहीं पर रख देता हूं क्योंकि मैं इस गजरे को कहीं ले जाने वाला नहीं हूं, यहीं पर रख देता हूं। तो गाइस यही वो लड़का जिसके बाबा बोल रहे थे कि सीट कवर बन गया, तो यही वो लड़का जिसको बाबा बोल रहे थे कि सीट कवर बन गया। देखिए भागा जा रहा है लड़का को, यही हम वो स्टेज के करीब पहुंच गए जहां पे हमारी सुमेरा भाभी की इंगेजमेंट हो रही है, तो यहां पे सब आदमी फोटोग्राफ ले रहे हैं अलग अलग करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल है। हम बब्बन बिंदास सर से मैंने कुछ सीक्रेट बातें की, आई एम सॉरी मैं आपको यहां नहीं बता सकता पब्लिकली, बट उसके बाद मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गया हूं थक, और उसके बाद अब मुझे घर चलना है। और जब तक इस ब्लॉग को आप लाइक कर दीजिए और दास्तान दानिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज इनके मैं शादी का भी ब्लॉग बना चुका हूं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और सुनिए ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर।